शहर के सूरजपुर थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने उसके पति पर ही आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति द्वारा उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हुए उसे बदनाम किया गया और उससे विषयवृत्ति करने के लिए भी उसके पति द्वारा दबाव बनाया गया। एक माह बीत जाने के बाद भी जब पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो यह महिला आज अलर्ट राजस्थान न्यूज चैनल के संवाददाता से मिली और अपनी आपबीती सुनाई। हमने सावधानी बरतते हुए इस महिला का नाम नहीं लिया है, लेकिन इस महिला ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी एक रिपोर्ट शहर के सूरजपोल पुलिस थाने में दर्ज करवाई। महिला का आरोप है कि इसका पति इसके फोटो सोशल मीडिया पर डालकर इससे वेश्यावृत्ति करवाने का प्रयास करता था। महिला ने अपनी आपबीती कैमरे के सामने बताते हुए अपने पति के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। वहीं इस महिला का यह भी कहना है कि उसने एक महीने पहले उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक उसके पति को पुलिस पकड़ नहीं सकी है। महिला का कहना यह भी है कि न्यायालय के मार्फत जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश के बावजूद आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। महिला का कहना है कि इसके पति ने बेटी होने के बाद इसके आपत्तिजनक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिए और उसे काफी प्रताड़ित भी किया गया। आखिर क्या कुछ कहना है इस महिला का, आइए हम आपको उसी की जुबानी सुनवाते हैं। आपके ये कितनी तारीख को हुआ था, आपके पति ने कितनी तारीख को आपके साथ में ये किया? 27 तारीख को वीडियो बनाया मेरा, 27 तारीख को मेरे पापा के भाई के फोन पे डाल दिया। 27 तारीख को वीडियो डाल दिया तो वो लोग अभी तक अपराधी वो बाहर घूम रहा है, तो मेरे भाई के ऊपर डाल दिया ये फोटो मेरा। मेरे लड़के हो गए, मेरे को बाहर निकाल दिया। आपकी लड़की हो गई इसलिए आपके पति ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? हाँ, वही बात है। और आपने सूरजपोल थाने में कितनी तारीख को मुकदमा दर्ज करवाया? 7 फरवरी। अच्छा, और अभी तक कितना टाइम हो गया है, आपके कोई कार्रवाई नहीं हुई? 25 दिन हो गए। अच्छा, आप एसपी साहब के पास पेश हुए थे? हाँ, गए थे। क्या कहा था एसपी साहब ने? एसपी साहब ने कुछ भी नहीं कहते कि अपराधी पकड़ लेंगे और वापस ये थाने के अंदर भेजा तो वो भी कुछ पकड़ ही नहीं रहे, वो तो घूम रहा है, दो बार गए वो मिल नहीं रहे घर पे। और ऐसा सुनने में आया कि उसने आपके पापा मम्मी के ऊपर वापस हमला कर दिया? हाँ, हमला किया मेरे घर पे पापा मम्मी के ऊपर। तो फिर आपने वहाँ पर रिपोर्ट दी कोई थाने में? थाने में दी मंगलवार चुराए भी दी। अच्छा, तो लगभग कितना टाइम हो गया है कि वो अपराधी पकड़ में नहीं आया अभी तक? 25 दिन हो गए, अब तो पकड़ने में आ नहीं रहा, भागता फिर रहा है, मिल ही नहीं रहा है घर पे। हम लोग यहाँ सूरजपोल में रहते हैं पिछले 25-26 सालों से, यहीं पर किराए रहते हैं और यहीं पर काम धंधा करते हैं। मेरी बहन के साथ में, मेरी बहन के हस्बैंड ने उसके लड़की पैदा होने पर उसको घर से बाहर निकाल दिया मारपीट करके, और उसके अश्लील फ़ोटो और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए। वीडियो वायरल होने के बाद में, फ़ोटो वायरल होने के बाद में मेरी बहन और मेरे फ़ोन पर फ़ोन आने लग गए, अश्लील अश्लील बातें पूछने लग गए लोग। इससे परेशान होकर के हमने 7 फरवरी को सूरजपोल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी एसपी साहब के पास में पेश होकर के। तो थाने द्वारा अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और इस दरमियान उस वो अपराधी जो खुला घूम रहा है उसने हमारे घर पर हमला भी कर दिया और हमारे साथ में मारपीट भी करी, अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है। इसलिए हम प्रशासन से अपील करते हैं कि अपराधी को जल्दी से जल्दी पकड़ करके उसको सजा दिलाए। जब रिपोर्ट थी तो मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब श्रीमान कैलाश चंद्र जी बिश्नोई ने तुरंत एफआईआर का आदेश देते हुए पुलिस थानाधिकारी सूरजपोल को मुलजमान को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि 7 फरवरी का मामला था, 7 मार्च गुजर गया और आज 13 मार्च आ चुका है, यानी करीब 1 महीना 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इस चीज़ का फायदा उठाकर जो इसके ससुरालजन है उन्होंने पिता के ऊपर वैन में 7-8 लोग ले जाके हमला भी कर दिया, जिसकी पृथक से एफआईआर मंगलवार थाने के अंदर हुई है। और ये दुर्भाग्य है कि एक महिला के ऊपर इस प्रकार का एक संगीन अपराध होने पर भी पुलिस ने आज तारीख तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। क्या पता कौन सी कृपा दृष्टि उन पर बरसाए रखी है। इस मैटर में आज आईजी साहब के समक्ष, जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष और वापस जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष पेश करके एक रिपोर्ट दी कि ऐसे संगीन मामलों के अंदर तो पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और किसी प्रकार की ढील नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि समाज के लिए बहुत बड़ा मामला है जिसे पुलिस बहुत ही सामान्य वे से ले रही है।